हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम अंगूर से किशमिश बनाएंगे। अंगूर का सीजन है और अंगूर बहुत सस्ते भी है, तो इस समय चलिए अंगूर से किशमिश बना लेते हैं और साल भर के लिए स्टोर करने के लिए कुछ टिप्स भी सीख लेते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बिल्कुल भी झमेला नहीं है। चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अंगूर लिए हैं। यहाँ पर 300 ग्राम जितने अंगूर है मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अच्छे पके हुए और मीठे अंगूर ले और अच्छे से धो ले। देखिए मैंने धो लिया है और अभी हम इसको बॉयल करेंगे, नहीं तो स्टीम करेंगे। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टीम कर लूँ, क्योंकि स्टीम करने से ये पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते नहीं है और अगर फट जाते हैं तो अंदर के न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ बाहर नहीं निकलते। तो इसीलिए मैंने ली है एक स्टीमिंग प्लेट और उसके ऊपर मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं। और दूसरे और मैंने पानी उबालने के लिए रखा है। ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अभी इस पात्र के ऊपर ये प्लेट हम रख देंगे और ढक देंगे। ढक कर 2 मिनट के लिए, पक्का 2 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं स्टीम करना है। देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अभी हम प्लेट को निकाल लेंगे और स्टीम करते हुए हमने हीट को हाई पर रखा था, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी अंगूर को हम निकाल लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, एक दो फट भी गए हैं। ये देखिए, तो अभी सुखाने के लिए हमें एक बड़ा सा पात्र चाहिए। तो मैं एक ढक्कन ले रही हूँ, प्लेट जैसा दिखता है, बड़ा है। तो इसके ऊपर हम एक सूखा और साफ़ कपड़ा बिछा देंगे ताकि चिपचिपापन ना हो, क्योंकि अंगूर से काफ़ी रस निकलने वाले हैं सूखते समय और वो चिकट जाते हैं। इसीलिए मैंने एक कपड़ा बिछाया है और कपड़े के ऊपर हम फैला देंगे ये अंगूर, अच्छे से फैला देंगे पतला करके। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से फैला दिया है। आप जितने भी बनाना चाहते हो एक साथ आप बना सकते हो, अगर सुखाने के लिए आपके पास साधन हो तो। तो मेरे पास इतने बड़े पात्र नहीं हैं, इसीलिए मैं छोटा छोटा करके, मतलब कम कम करके, ऐसा करके बना लेती हूँ। तो अंगूर को मैंने डाल दिया है सूखने के लिए धूप में, आप देख सकते हैं। ये पहला दिन है, अभी अभी डाला है और दिन के आखिर में ये देखिए यहाँ तक सूखा है। और यह है दूसरे दिन के एंड में, दूसरे दिन दिन भर मैंने धूप में रखा है और ये देखिए यहाँ तक सूखा है। तीसरे दिन भी मैं दिखाती हूँ, यह है तीसरे दिन के आखिर में, मतलब शाम से पहले यहाँ तक सूखा है। और यह है देखिए चौथे दिन के बाद, चौथे दिन शाम को ये पूरे तैयार है किशमिश। अभी मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। धूप कितनी तेज़ है उस पर डिपेंड करता है कि आपके किशमिश बनने में कितने दिन टाइम लगेंगे। और अगर आपको इतना झमेला नहीं करना है तो आप इनको बेक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हम केक बेक करते हैं तो उसी तरह हीट को मीडियम टू लो पर रख के आप 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, तो किशमिश तैयार हो जाएंगे एक ही दिन में। और ये दूसरा बैच है, ये पिछले हफ्ते में मैंने बनाया था, इनको भी मैं डाल लेती हूँ। और भी एक बैच है जो धूप में अभी सूख रहा है। इसी तरह बैच बैच करके मैं थोड़ा थोड़ा करके करके रखती हूँ और साल भर के लिए स्टोर करके रखती हूँ। तो साल भर के लिए स्टोर करने के लिए 2 महीने में एक बार आपको धूप दिखाना पड़ेगा, तभी आप इनको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस मौसम में अंगूर से किशमिश बना लीजिए इस प्रोसेस में और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।